बॉलीवुड एक्टर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अग्निपथ योजना के विरोध में देश के कई हिस्सों में हो रही हिंसा के बारे में बताते हुए युवाओं से इसमें शामिल नहीं होने की अपील की है। फिलहाल देश में इस योजना को लेकर प्रदर्शन जारी है और कई जगहों पर हिंसा की वारदात भी सामने आई। अग्निपथ योजना के बारे में एक मीडिया इंटरव्यू में एक्टर ने कहा कि विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है और विरोध प्रदर्शन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां तक हिंसा का सवाल है मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं क्या इसका समर्थन, कोई नहीं करता। देश में राज्यों में शांति स्थापित हो यह बहुत ज़रूरी है। उन्होंने देश के कई कारोबारियों से मिले नौकरी के आश्वासन की योजना की अच्छी पहल बताया। एक्टर ने कहा कि आपने जिन उद्योगपतियों का जिक्र किया वे अच्छे लोग हैं, जिनमें महिंद्रा गोयनका जैसे लोग भी शामिल हैं। मैं उनकी पहल की सराहना करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। एक्टर ने आगे कहा कि सरकार में विधायक कानून के बारे में कहा था कि इसे वापस नहीं लाया जाएगा, लेकिन अंततः इसे वापस लेना पड़ा। सरकार को अग्निपथ योजना को भी वापस लेना होगा। क्षमावीर को माफ़ी मांगनी होगी, पछताना पड़ेगा और योजना वापस लेनी होगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे यह भी कहा कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं और यह बेरोजगारों का देश बन गया है। आप बेरोजगारी के दौर में युवाओं के लिए 4 साल पुराना यह पर्दे लेकर आए हैं। बाकी 75% लोग 4 साल बाद कहाँ जाएंगे। इसके अलावा आप लगातार रिविजन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्राथमिकता अन्य लोगों को भी दी जाएगी, तो सवाल यह है कि कब और कितना। एक्टर ने कहा कि ऐसे लोग जिनका मेडिकल हुआ, फिजिकल टेस्ट हुआ, वे इंतज़ार करने को मजबूर हैं। जब उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया तो उनका धैर्य टूट गया। सरकार को इनका ख्याल रखना चाहिए, सरकार ने विश्वास खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। पहली बात तो ये है कि देश में जिस तरह से नगमा, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। ये देश आज युवाओं के लिए बेरोजगार देश हो चुका है। यहाँ पे इतने सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी गई, जैसा आज महसूस किया जा रहा है देश में। जी, उस समय आपने ये स्कीम लाकर कि 4 साल आप इसको, 4 साल का जॉब, और आपने ठीक कहा, 5 साल क्यों नहीं, 3 साल क्यों नहीं, 6 साल क्यों नहीं, इस ग्रेटिच्युटी के डर से, बाकी बेनिफिट्स उसके डर से। आप सेना का बजट कम करना चाह रहे हैं, सेना जो हमारी देश की आन बान और शान है, उसका बजट कम करना चाह रहे हैं, युवाओं को की कीमत पे इनको इस तरह की बदहाली की नौकरी देने में 4 साल के बाद 75% लोग वो कहां जाएंगे, और जो 25% रहेंगे उनमें आप संशोधन पर संशोधन करते जा रहे हैं। आप करते जा रहे हैं कि साहब उम्र जो है 17 से 21, 21 से 23, अभी आप कर रहे हैं उनकी उम्र के साथ साथ कि अच्छा डिफेंस में उसको मिलेगा इतना 10%, और सब अच्छा शिपिंग मिनिस्ट्री से भी कहा जा रहा है वहां भी होगा, आर्मी के और अलग अलग हिस्सों में। अभी तो हमने सुना हमारे बीजेपी के किसी मित्र, किसी नेता ने कह दिया है कि सिक्योरिटी गार्ड की अगर कोई जॉब होगी या सिक्योरिटी में, तो सबसे पहले मैं भाई ये इसी को दूंगा अपना।